हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं चिकन कड़ा मसाला रेसिपी, जो कि एक बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, जो कि कोई भी ट्राई कर सकता है, कोई भी बना सकता है। इस क्योंकि इसके लिए हमने बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, जो कि आमतौर पर घर में ही मौजूद होते हैं। और ये जो रेसिपी है, ये बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। इसमें कोई ज़्यादा हैवी मसाले यूज़ नहीं किए गए हैं, तो चलिए बनाते हैं इसे हम। तो इसके लिए हमने चाहिए आधा किलो चिकन, जो कि हमने धोकर रखा हुआ है, और गरम मसाले खड़े, लौंग, इलायची बड़ी, ज़ीरा और एक छोटी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च। और हमने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए, और हमने लिया है लहसुन अदरक बारीक कटा हुआ, हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम तेल डालेंगे। एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है हमने इसमें, उसे थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, डेढ़ चम्मच, मतलब समझ लीजिए एक बड़ा चम्मच और आधा चम्मच। तेल गर्म हो चुका है, इसमें से धुएं निकल रहे हैं। हमने इसकी फ्लेम को धीमी आंच पर किया हुआ है। इसमें पहले गरम मसाले डालेंगे हम, ताकि जो गरम मसाले हैं वो अपनी जो खुशबू है तेल में छोड़ दें। इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, तो हमने इसलिए इसकी आंच जो है धीमी की हुई है, ज़्यादा जलाना नहीं है इसे, नहीं तो इसकी जो सारी खुशबू है वो उड़ जाएगी। ये हो चुका है, हर फ्राई हो चुके हैं ये तेल में सही से। गरम मसालों को तेल कभी तेज़ आंच पर नहीं भूनना चाहिए, इससे इनके खुशबू चली जाती है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, लाइट ब्राउन होने तक प्याज को भूनेंगे गरम मसालों के साथ। इसी बीच में हमें इसमें जो है अदरक लहसुन डालने बारीक कटे हुए, ताकि जो अदरक लहसुन है वो प्याज के साथ भुन जाए सही से, जब तक प्याज लाइट ब्राउन हो। तो हम इन सबको एक साथ भूनेंगे अच्छे से धीमी आंच पर। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे, चिकन को भूनेंगे हम प्याज के साथ और गरम मसालों के साथ 2 से 3 मिनट तक। अब इसमें हम नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे। नमक और हल्दी के साथ इसको अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो हल्दी का कच्चापन है वो चला जाए। धीमी आंच पर इसको अच्छे से भून लेंगे, जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। अब इसमें हम डालेंगे क्रीम, ये होममेड क्रीम है, मैंने घर में ही बनाई थी, आप बाज़ार की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने 3 चम्मच क्रीम डाल दी है, आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं चाहे तो। लेकिन मैंने इसमें टमाटर ऐड नहीं किए, मुझे चिकन के साथ टमाटर का टेस्ट थोड़ा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें टमाटोज ऐड नहीं किए हैं। अगर आप इसमें टमाटर डालें तो प्याज के साथ ही आपको टमाटर डालने होंगे इसमें, ताकि वो प्याज के साथ अच्छे से गल जाए टमाटर। तो अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि नॉन वेज चाहे चिकन हो चाहे मटन, उसको जब तक हम अच्छे से भूनते नहीं हैं तो उसका जो स्वाद है वो नहीं आता है।
धीमी आंच पर उसको भूनेंगे 5 से 6 मिनट तक। इसमें मैं थोड़ी सी और क्रीम ऐड करूँगी 2 चम्मच के लगभग, मुझे क्रीम इसमें कम लग रही थी। अब इसे और भूनेंगे दो से तीन मिनट तक। नमक टेस्ट कर लेंगे इसमें, नमक इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो चिकन है वो गल जाए। पहले इसमें हम सूखी मेथी डालेंगे, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे हम। हम इसमें आधा ग्लास के करीब पानी डालेंगे। पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ इतना पानी डालना है ताकि जो चिकन है वो गल जाए सही से। अब इसे पकने के लिए रख देंगे ढककर 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर। तो ये पककर तैयार हो गया, हमने इसकी आंच को बंद कर दिया है। अब इसे एक बाउल में पलट लेंगे। आप चाहें तो इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन रोटी पराठे या पूरी के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ों से बनी है। अब हम इसको गार्निश कर देंगे सूखी मेथी से। आप इस पर धनिया भी डाल सकते हैं हरा, गार्निशिंग के लिए क्रीम भी ऐड कर सकते हैं ऊपर से। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, आप भी अपने घर में बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।